हिंदी बायोग्राफी एट परफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा की बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक पवित्रा लोकेश की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानेंगे। सुरम्य शहर मैसूर में जन्मी पवित्रा लोकेश को अभिनय का जुनून अपने पिता प्रसिद्ध अभिनेता मैसूर लोकेश से विरासत में मिला। कला से गहराई से जुड़े परिवार में पली भी पवित्रा ने 16 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शुरुआती चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पवित्रा के दृढ़ संकल्प ने उन्हें 150 से अधिक कन्नड़ फिल्में करने के लिए प्रेरित किया और विभिन्न सहायक भूमिकाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पवित्रा लोकेश, मुझे हमेशा अभिनय के साथ एक गहरा जुड़ाव, खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका महसूस हुआ। पवित्रा को सफलता 2006 में गिरीश कसारवल्ली की नाई नेरालू से मिली, जहां वेंकटलक्ष्मी के उनके किरदार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। उनके प्रदर्शन ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि उन्हें एक पावर हाउस कलाकार के रूप में भी स्थापित किया। पवित्रा लोकेश की प्रतिभा टेलीविजन तक पहुंची, जहां उन्होंने गुप्तगामिनी और जीवनमुखी जैसे लोकप्रिय शो में अपनी भूमिकाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में पवित्रा लोकेश ने कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा दोनों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा और नामांकन प्राप्त किया है। मिस्टर अभिषेक में अपने डेब्यू से लेकर दिया और पोगारू जैसी हालिया हिट फिल्मों तक पवित्रा ने अपने बारीक किरदारों से अमिट छाप छोड़ना जारी रखा है। उनके समर्पण और प्रतिभा ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए हैं, जिनमें कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में नामांकन शामिल हैं। आज पवित्रा लोकेश भारतीय सिनेमा की दुनिया में लचीलापन और जुनून का प्रतीक बनकर एक प्रेरणा के रूप में खड़ी हैं।